Minister for Road Transport, Highways and Shipping Nitin Gadkari has said that demonetization will not impact the sector he represents as a union minister. अभी ऐसा है कि 4.5 लाख करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स हमने ऑलरेडी अलॉट किए हैं और मार्च एंड तक और 2 लाख करोड़ के हो जाएंगे तो 6.5 लाख करोड़ तक पहुंचेंगे। कितने किलोमीटर सड़क बन जाएगी सर दिसंबर एंड तक 10 लाख करोड़? अभी मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास नहीं है पर इस साल मार्च एंड तक हम 15,000 किलोमीटर से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट देंगे। और किलोमीटर बनेगी कितनी सर? अभी 4,000 के आसपास ही बन पाएंगे। अभी कैसा है कि अभी बरसात था, अभी मार्च अप्रैल तक इस साल हम लोग अपने टारगेट तो 40 किलोमीटर 41 किलोमीटर रखा है पर मुझे लगता है हम लोग 30-32 तक जाने की निश्चित रूप से जाएंगे, आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका कोई इम्पैक्ट जो डिमोनेटाइजेशन की वजह से कोई इम्पैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे सेक्टर पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। GST के कारण, उसके प्रोसीजर के कारण, सिंप्लीफिकेशन के कारण काफ़ी सुविधा प्राप्त होगी। जो डबल टैक्सेस लग रहे थे वो कम होंगे, रेटेबिज्म कम होगा और जहाँ स्टेट और सेंट्रल दोनों के स्टेक्स हैं वहाँ जो हमारी काउंसिल है GST काउंसिल है वो निर्णय करेगी। इसलिए मैंने कहा कि इसके बारे में शुगर के ऊपर का टैक्सेशन, इथेनॉल के ऊपर का टैक्सेशन, इसमें यूनिफॉर्मेशन रहे और इसमें कंज्यूमर, किसान और इंडस्ट्री तीनों का समन्वय साधते हुए कैसा रहना चाहिए इसके बारे में आप GST काउंसिल को अपनी बात बताइए। LNG ये फ्यूचर फ्यूल है और इसलिए हमने शिपिंग मिनिस्ट्री में ये निर्णय किया है कि जो पेट्रोनेट करके जो हमारी कॉरपोरेशन है इसके साथ हम जॉइंट वेंचर कर रहे हैं और गंगा में हम लोग 3 मल्टीमोडल हब और 40 वाटर पोर्ट बना रहे हैं, उसमें से 10 जगह पर हम LNG बंकर सिस्टम वहाँ खोलेंगे और करीब 25 बार्ज जो है हम लोग खरीद रहे हैं वो ड्यूअल इंजन के लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें डीजल भी होगा और LNG भी होगा और धीरे धीरे शिपिंग इंडस्ट्री को LNG पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। LNG क्लीन फ्यूल है, कॉस्ट इफेक्टिव है और भविष्य के लिए उपयोग होगा।